I seriously want to thank Akshay Kumar for doing this interview with Prime Minister Narendra Modi. Because I got to know two things that made me super happy about spending over an hour to watch this interview. He's a chai addict like me. Mujhe bina sham ko chai peene ka bada man karta hai, by God. And subha wali chai, ay hai. And second, PM Modi's anger management is like Geet from Jab We Met. मेरी बात मानो, बच्चों जैसी बातें करो, जला दो इसे। इससे क्या होता था कि वो चीजें मेरी जो इमोशंस हैं, उस कागज के अंदर आकर के फिर वो जल जाती थी। और मोदी जी की तरह ना, मेरा भी स्वभाव है। सवाल पूछने का बहुत शौक है मुझे। So here are 10 questions which I wish Akshay Kumar had asked Narendra Modi in this interview that he did. You said that you sleep for 3.5 hours. But before you trained yourself to do this, even in your childhood, did you ever sleep till late? And did you ever feel the Monday blues? Like even now, do you ever feel Monday blues? And with just 3.5 hours of sleep, how did you never get dark circles? उसके लिए भी castor oil use करते हैं क्या? आँख खुलती है, friction of second मेरा पैर जमीन पे होता। मोदी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता ही दें कि आप करते कैसे हैं ये? हम सारे मिलेनियल सारी रात नेटफ्लिक्स देखकर सुबह स्ट्रगल करके काम पे जाते हैं तो इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बनती है और वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में कैसे नहीं सोचा आपने अपने लिए नहीं तो अपने कोवर्कर्स के लिए सोच लेते मैं सुबह से जाता हूँ देर रात तक बैठता हूँ तो वो भी देखते हैं तो कोई काम है तो मैं रात को 11 बजे फोन करूंगा अरे भाई उसका क्या हुआ तुमको लगता है ये अभी भी काम कर रहा है एंड प्लीज डोंट सेट अ बैड प्रेसिडेंट एंड ऑल या Everybody is going to watch this video, even my boss. 11 baje tak kaam ke mails ka reply karo and 4:30 you have to be available again. We will soon see a biopic on you. Vaise, why didn't you consider Akshay Kumar for the role? Or better still, why didn't you consider acting? वैसे ठीक ही है अक्षय कुमार इज अ पद्मश्री एंड विवेक ओब्रॉय इजंट तो इंटरव्यू तो आपने अक्षय कुमार को दे दिया ओ और पद्मश्री से याद आया अर्णब गोस्वामी को पद्मश्री कब मिल रहा है फॉर द ब्रिलियंट इंटरव्यू दैट ही डिड विद यू विद नो टफ क्वेश्चंस एंड नो क्रॉस क्वेश्चनिंग आपने कहा आप सोशल मीडिया इंस्टा ट्विटर सब चेक करते हैं वेल सोशल मीडिया इज अ बिग थिंग एंड सो आर दोस पिक्चर्स ऑन सोशल मीडिया मैं खुद 20 सेल्फीज लेती हूँ और जब तक अपलोड वर्दी सेल्फी नहीं मिल जाती उसके ऊपर 5 फिल्टर नहीं लग जाते और हैशटैग नो फिल्टर नहीं लगाया ना तब तक मजा ही नहीं आता वैसे टेल मी हाँ आप खुद अपने पिक्चर सिलेक्ट करते हो और डू यू इंस्ट्रक्ट समबडी टू सिलेक्ट पिक्चर्स फॉर सोशल मीडिया वैसे आई हैव नोटिस्ड हाँ यू ऑल्सो प्रेफर योर लेफ्ट प्रोफाइल जस्ट लाइक मी एंड करण जौहर लेट्स कम टू आवर फेवरेट टॉपिक चाय एक तो मुझे सुबह 5 बजे चाय पीने की आदत है दूसरा मुझे शाम को 6 बजे ऐसा लगता है मेरी बॉडी रिक्वायर कर रही है मुझे मेरी चाय ना परफेक्ट पसंद है वैसे आपको क्या पसंद है अदरक या इलायची पानी तो फ्री नहीं है इंडियंस के लिए बट चाय फ्री कर देंगे तो बहुत दुआएं मिलेंगी वैसे सर चाय के कप तो टूटे होंगे है ना या डिड यू एवर यूज सॉल्ट इंस्टेड ऑफ शुगर इन योर चाय ये तो पक्का हुआ होगा सर आप इतने लीडर्स से मिलते हैं ट्रम्प शिंजो आबे पुटिन सऊदी के प्रिंस और ओबामा से तो तू तू वाली इक्वेशन है हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी तू तारी करके बुलाते हैं एक दूसरे को हैज इट एवर हैपेंड दैट दीस पीपल सेड समथिंग एंड यू डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड हैज एनीबॉडी एवर कमेंटेड ऑन योर ऑकवर्ड हैंडशेक एंड हग्स और आपने 70 मिनट्स के इंटरव्यू में एक बार भी अक्षय कुमार को हग कैसे नहीं किया ट्विंकल जी से डर लग गया नॉट फेयर आपके हग से आपकी दोस्ती की गहराई का पता चलता है यू सेड पा वाज द लास्ट मूवी यू वॉच्ड विद अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन जी आए थे जब मैं सीएम था पा फिल्म शायद जी बिल्कुल तो देखने के लिए उनके साथ में चला गया था और उरी के बारे में अप्रिसिएशन जो आपने किया था उसका क्या बिना देखे ऐसे ही अप्रिशिएट कर दी हैं नॉटी एंड यू आर राइट फ्रेंड्स के साथ जोक्स क्रैक करने में तो मुझे भी बहुत मजा आता है मैं दोस्ताना करता हूँ तो मैं उनको चुटकुले सुनाता रहता हूँ कभी कभी तो आपके कैबिनेट में कौन है जिसके लिए आप गाओगे I'll be there for you माने आपके कैबिनेट में आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है नाउ थैंक यू सो मच कि आपने क्लियर कर दिया कि आप मीम्स में लोगों की क्रिएटिविटी देखते हैं मैं उसमें मोदी को कम देखता हूँ क्रिएटिविटी को ज्यादा देखता हूँ
यानी मेरा घोर भी विरोध होगा। ये बड़ा मजा आता, क्या बड़े सटीक तरीके से कहा। क्या आप कभी अपने मोदी फैंस को भी बोलेंगे टू जस्ट चिल एंड नॉट टेक मीम्स टू सीरियसली? आपको तो गुस्सा नहीं आता, पर ट्विटर पे आपके चाहने वालों को बहुत गुस्सा आता है। थोड़े एंगर मैनेजमेंट लेसन्स उनको भी दे दीजिए ना, जैसे कि ये वीडियो पे मुझे ट्रोल ना करें, हम तो बस आपकी तरह मस्ती कर रहे हैं। थैंक यू।